हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आऊँ। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो सर्किट है ये आप देख रहे हो, तो इसका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं पहले एक वीडियो है वो प्ले करता हूँ, उसके बाद में फ्रेंड्स इसको हम समझाएंगे और ये सर्किट को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि ये म्यूज़िक से रिएक्ट कर रही है एलईडी, और जैसे ही हमारे म्यूज़िक प्ले हो रहा है और म्यूज़िक के साथ साथ ये भी मैजिक कर रही है, मतलब उसके साथ साथ ये यहाँ पर जल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो लाइट है वो म्यूज़िक पे रिएक्ट कर रही है, यानी कि जैसे ही यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है तो माइक पे जैसे ही हम हमारा कोई भी ऑडियो सिग्नल देंगे तो यहाँ पर ये एलईडी रिएक्ट करेंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको मैंने कैसे बनाया है, बहुत ही कम कंपोनेंट है, ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो, दो ट्रांजिस्टर हैं, बाकी तीन रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं इसका सर्किट है वो बना देता हूँ, उसके बाद में फ्रेंड्स इसको हम दोबारा से यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे और उसके बाद में मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें जो जो कंपोनेंट चाहिए ये सर्किट बनाने के लिए, तो इसमें फर्स्ट तो हमारा BC547 है, तो यहाँ पर ये दो पीस हमें चाहिए। इसके बाद में एलईडी, एलईडी आप फ्रेंड्स तीन से चार आप एलईडी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने RGB यानी कि तीन एलईडी ली है। और इसके बाद में एक रजिस्टर है 100K का, इसको मैंने वन यानी कि वन पीस लिया है। इसके बाद में 1 MΩ का एक रजिस्टर लिया है, 10 Ω का एक रजिस्टर लिया है, और इसके बाद में एक यहाँ पर एक माइक लिया है। बस इतने ही कंपोनेंट की मदद से हम हमारा जो सर्किट है वो बनाएंगे, और यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक सिस्टम है उसमें आप इसको लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं इसका सर्किट बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर चाहिए, तो ट्रांजिस्टर का ये फ्रेंड्स कलेक्टर है, ये फ्रेंड्स अमीटर है, और यहाँ पर ये इसका बेस है, और ये BC547 है। इसकी जो पिन आउट है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें जगह नहीं बचेगी। चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसकी जो पिन आउट है फर्स्ट पिन, सेकंड पिन और थर्ड पिन। तो ये फर्स्ट पिन, सेकंड और थर्ड। तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट इसकी जो सेकंड है वो बेस रहेगी, लास्ट है वो थर्ड नंबर अमीटर रहेगी, और ये जो है फर्स्ट नंबर इसकी कलेक्टर रहेगी BC547 की। और यहाँ हमने ये ट्रांजिस्टर है वो बना लिया है, ये हमारा बेस आ गया। और इसके बाद में एक और ट्रांजिस्टर है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ जिससे हमारा सर्किट बनने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर तो ये कलेक्टर हो गया फ्रेंड्स, ये अमीटर हो गया, और ये बेस हो गया। तो यहाँ पर ये जो अमीटर है, अमीटर को अमीटर से मिला देंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो अमीटर को तो अमीटर से मिला देंगे, यानी कि ये जो BC547 की थर्ड नंबर पिन है उन दोनों को आपस में मिलाना है। इसके बाद में ये जो एक ट्रांजिस्टर है इसका ये कलेक्टर से हमें मिलाना है, यानी कि एक बेस को एक कलेक्टर से मिलाना है बस। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आउटपुट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें तीन एलईडी लेनी है, और यहाँ पर ये जो बेस आएगा तो यहाँ पर बेस पे एक हमें ये जो कैपेसिटर यहाँ पर शायद रह गया है फ्रेंड्स, हमें एक कैपेसिटर 7 नंबर पे एक कैपेसिटर है वो भी लेना है। तो 1UF में आप ले सकते हो फ्रेंड्स, 25 वोल्ट का आप ले सकते हो वन पीस, ये मेरा रह गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको एक कैपेसिटर लगाना है, और फिर इसके बाद में एक रजिस्टर लगाना है कुछ इस टाइप से। और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो ये वाला हिस्सा है ये नेगेटिव रहेगा और ये हिस्सा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से रहेगा। अब इसके बाद में हमें दो रजिस्टर और लेने हैं, तो एक रजिस्टर यहाँ पर अब बेस है, बेस से हमें यहाँ पर एक रजिस्टर लेना है, और वो जो रहेगा वो रहेगा 1 MΩ का रजिस्टर रहेगा, और आपस में इन दोनों को। तो ये रजिस्टर रहेगा, ये हमारा 10 किलो ओम का रजिस्टर रहेगा, ये रजिस्टर रहेगा 1 MΩ का रजिस्टर रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद में एक और रजिस्टर चाहिए जो बेस से मिलेगा और सीधा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ मैं एक और रजिस्टर ले रहा हूँ, तो ये रजिस्टर रहेगा 100 किलो ओम का। तो ये तीन रजिस्टर यहाँ पर सीरीज में रहेंगे, लेकिन इनके एक 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 पॉइंट तो आपस में मिले रहेंगे, और ये जो लास्ट के पॉइंट हैं वो हमारे एक तो ये बेस और कलेक्टर में मिल जाएगा, एक जो 1 MΩ का है वो इस वाले बेस पे मिल जाएगा, और ये है ये कैपेसिटर पे यहाँ मिल जाएगा। और इसके बाद में ये जो है यहाँ से हमने ये पॉजिटिव लाइन रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ये बैटरी का पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पर ये रहेगा जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट रहेगा, आप देख सकते हो। और अब इसके बाद में फ्रेंड्स हमें माइक और एलईडी दोनों के कनेक्शन करने हैं, बाकी हमारे जो कंपोनेंट है वो हमने लगा लिए हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव एलईडी पॉजिटिव रहेगी, और जैसे कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव आ रहा है,
ट्रांजिस्टर के थ्रू, तो यहाँ पर एलईडी का नेगेटिव रहेगा। अब इसको सीरीज में यहाँ पर दो तीन आप कैसे भी लगा सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छा इफेक्ट आया इसलिए मैंने यहाँ पर तीन एलईडी लगाई हैं, जो कि रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा कुछ इस टाइप से सीरीज में, इसके बाद में फिर एक और एलईडी रहेगी सीरीज में, फिर इसके बाद में फिर एक और एलईडी रहेगी सीरीज में और फिर वो यहाँ लग जाएगी। तो ये एलईडी हो गई रेड ग्रीन और इसके बाद में रेड ग्रीन एंड ब्लू, आप तीन आपस में सीरीज करके ले सकते हो। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया और इस लाइट नेगेटिव, फिर ये दोबारा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये सीरीज में ये एलईडी हमने ऐसे लगानी है। अब इसके बाद में जो माइक का कनेक्शन है, माइक का कनेक्शन में यहाँ पर हमें एक माइक लेना है, माइक लेना है, माइक का सिंबल कुछ इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पर ये जो एक वायर आएगा वो नेगेटिव वायर रहेगा, वो इस पे लगा देना है और जो पॉजिटिव वायर रहेगा वो हमारा लगेगा यहाँ, आप देख रहे हैं ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर यानी कि कैपेसिटर का पॉजिटिव है यहाँ पर, इसमें लगेगा इस वाले में। और यहाँ आप देख सकते हो जो सर्किट है बन के रेडी है, कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप बना सकते हो, 101% ये सर्किट काम करेगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो कंपोनेंट है वही आप लगाओगे तो बिल्कुल सही से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये 9 वोल्ट पे काम करेगा, अगर आप इसको 3.7 या 5 वोल्ट दोगे तो ये काम नहीं करेगा, इसको 9 वोल्ट ही चाहिए। तो यहाँ पर आप ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज में 9 वोल्ट दोगे तो ये सर्किट काम करेगा, 9 से 12 वोल्ट पे यहाँ पर ये सर्किट काम करेगा। तो यहाँ पर इसको आप बना सकते हो और यहाँ पर मैं इसको ब्रेडबोर्ड पर बना के फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये सर्किट है वो बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट की नीड है वो आप यहाँ आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर 2 BC547 चाहिए, BC547 ट्रांजिस्टर वो चाहिए, एक यहाँ पर माइक चाहिए, आप कोई सा भी माइक ले सकते हो। इसके बाद में एक यहाँ पर एक ये कैपेसिटर चाहिए और ये कैपेसिटर की वैल्यू आप देख सकते हो 1 UF में 25 वोल्ट का है, या आप देख 63 वोल्ट का है, आप 24 25 जो वोल्ट का है वो भी आप ले सकते हो, मेरे पास 25 का नहीं था तो इसलिए 63 का ये लिया है, आप 25 का ले सकते हो। इसके बाद में तीन रजिस्टर चाहिए, यहाँ आप देख सकते हो 1 MΩ का, फिर 100 MΩ का और इसके बाद में 10 MΩ का, ये तीन रजिस्टर है वो चाहिए। इसके बाद में तीन एलईडी है RGB और दो हमारे ट्रांजिस्टर है, ये आप देख सकते हो BC547 ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स जो सर्किट है वो आप देख सकते हो, मैंने जूम इन कर लिया है, तो अगर पहले आपको दिख रहा नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने जूम कर दिया यहाँ पर। तो अब इसको फ्रेंड्स हम ब्रेडबोर्ड पे बनाते हैं, तो ये मैंने एक ब्रेडबोर्ड ले लिया है और यहाँ पर ये BC547 है, इसकी पिनआउट आप देख सकते हो, कलेक्टर बेस अमीटर है, तो यहाँ हम इसको लगा देते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स इसी के पास में हम एक और लगा देते हैं ट्रांजिस्टर। तो अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो अमीटर से अमीटर को जोड़ना है, तो अमीटर इसकी फर्स्ट ये थर्ड पिन है, तो थर्ड पिन से थर्ड पिन पे एक वायर है उसको मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ इसको थोड़ा सा पास, तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने अमीटर से अमीटर लगा दिया, बेस से कलेक्टर जुड़ेगा, तो फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले के कलेक्टर पर जुड़ेगा, कलेक्टर इसकी फर्स्ट पिन है तो सेकेंड पिन से फर्स्ट पिन पे, यानी कि ये वाले ट्रांजिस्टर की सेकेंड पिन से ये वाले ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन पे ये वायर जुड़ेंगे। और इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो तीन एलईडी चाहिए, वो कलेक्टर पे जुड़ेंगी, तो कलेक्टर यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं तीन एलईडी लगा देता हूँ सीरीज़ में। तो एक एलईडी का नेगेटिव यहाँ आप देख सकते हो, नेगेटिव मैंने यहाँ लगा दिया, और इसके बाद में एक का पॉजिटिव ये और नेगेटिव कुछ इस टाइप से रहेगा, और इसके बाद में इसको मैं फ्रेंड्स सीरीज़ में लगा रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर ये जो एलईडी लगाई है मैंने सीरीज़ में लगाई है, तो प्लस माइनस करके ऐसे लगाई है। तो फर्स्ट है जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव करके ऐसे मैंने लगाई है। अब यहाँ पर जो आएगी वो आप देख सकते हो पॉजिटिव में लग रही है, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आया हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है लास्ट की वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो यहाँ हम इसको पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव लाइन पर हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पर तीनों की तीनों लाइन है, ये लाइट है सीरीज़ में हमने कर दी, तो ये सीरीज़ में कर दिया और इसको पॉजिटिव से लगा दिया, पॉजिटिव लाइन यहाँ पर है, इन पे भी है, तो आप यहाँ पर ये रजिस्टर्स में भी लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट पॉजिटिव में लगा सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव में लगा दिया। इसके बाद में 1 MΩ का रजिस्टर यहाँ पर देख सकते हो, 1 MΩ का रजिस्टर है, वो ये वाले ट्रांजिस्टर से और इसके बेस से लग रहा है पॉजिटिव में, तो 1 MΩ का एक रजिस्टर लेना है और इसके आप देख सकते हो इसके बेस यानी कि सेंटर पिन से जाएगा हमारे पॉजिटिव में, तो सेंटर पिन यानी कि बैक साइड से हम ले सकते हैं, और यहाँ आप देख सकते हो बैक साइड से मैंने 1 MΩ का रजिस्टर पॉजिटिव में दे दिया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो,
और इसके बाद में एक कैपेसिटर चाहिए जो कि बेस से आएगा। तो यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लेना है, तो इसका बेस से नेगेटिव कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे तो बेस से नेगेटिव लिया और एक पॉजिटिव। अब ये जाएगा फ्रेंड 10 किलो ओम रजिस्टर लग के पॉजिटिव में, तो 10 किलो ओम का रजिस्टर लग के तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से पॉजिटिव में ही जाएगा 10 किलो ओम का रजिस्टर। यहाँ आप देख सकते हो पॉजिटिव पे मैंने 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के पॉजिटिव लाइन पे दे दिया है, हमारी ये पॉजिटिव लाइन है। अब इसके बाद में एक 100 किलो ओम का रजिस्टर है, वो बेस से यानी कि फर्स्ट वाले के बेस से जाएगा पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव हमारा पीछे है ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो सेंटर पिन है यहाँ से मैं लेके और इसमें पॉजिटिव में दे देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो सेंटर पिन से 100 किलो ओम का रजिस्टर मैंने पॉजिटिव में दे दिया। इसके बाद में माइक है, माइक के कनेक्शन बाद में करेंगे, पहले हमें इसमें इनपुट और आउटपुट देना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव ये लाइन पे हमने दे ही दिया है पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो तीन यहाँ पर चार पॉइंट है एलईडी का पॉजिटिव हमारा, फिर उसके बाद में 100 किलो ओम का पॉजिटिव, उसके बाद में 1 मेगा ओम का पॉजिटिव, उसके बाद में 10 किलो ओम का, यानी कि चार पॉइंट हमारे पॉजिटिव से जुड़ रहे हैं यहाँ आप देख सकते हो। तो पॉजिटिव का कनेक्शन पूरा हो गया है। नेगेटिव के लिए एक ये मैं क्लिप ले रहा हूँ और इसको बैक साइड से ही यहाँ पर जो थर्ड नंबर पिन है उसको हम लगा देंगे जिस टाइप से, थोड़ी छोटी वाली पिन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये नेगेटिव से ये जोड़ दिया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद में एक माइक है वो जोड़ना है, तो माइक का कनेक्शन यहाँ पर 10 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पर है, तो 10 किलो ओम का रजिस्टर और ये आप देख सकते हो कैपेसिटर का पॉजिटिव यहाँ पर है, तो यहाँ से आएगा और नेगेटिव में लग जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो नेगेटिव में लगेगा। तो नेगेटिव का पॉइंट है मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ वायर की मदद से यहाँ पर। तो ये जो माइक है इसका नेगेटिव ये है पॉजिटिव ये है। वैसे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो बेस होता है यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम वाला तो ये नेगेटिव होता है और जो सेंटर वाला पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सर्किट बनके रेडी है। अब इसमें वोल्टेज देनी है, इसकी जो पावर है वो भी एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है 8.3 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, तो इसको हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी भी टेस्टिंग करके देख लेते हैं, मैंने आपको टेस्ट करके तो दिखा दिया है इसकी वीडियो, लेकिन एक बार दोबारा से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर लाइट जली हुई है तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो इफेक्ट है थोड़ा कम आएगा, तो मैंने लाइट बुझा के आपको वीडियो दिखाई थी। तो एक बार जो लाइट है वो लाइट यहाँ पर चालू है, तो लाइट की रोशनी में ही हम इसको एक बार चालू करते हैं। तो यहाँ पर ये म्यूज़िक सिस्टम मेरा यहाँ पर है और हम मोबाइल में सॉन्ग चला देते हैं, थोड़ा मोबाइल मेरा ख़राब है स्विच। तो यहाँ हम म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो म्यूजिक से ही ये प्ले हो रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सी भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा फ्रेंड्स।